और केव नंबर 14 एक्सप्लोर करने के बाद हम एलोरा केव से बाहर निकल गए। यात्रीगण कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले क्योंकि काउंटिंग किलोमीटर्स की मराठवाड़ा यात्रा शुरू होने वाली है। गाइज जस्ट एन अपडेट, एलोरा से निकल के हम अभी घृष्णेश्वर पहुँच रहे हैं। दिस इज़ द घृष्णेश्वर टेम्पल ऑन माई राइट साइड। सो द टाइम राइट नाउ इज 6:45 इन द इवनिंग ऑलरेडी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ अभी गोप्रो में मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगा और मेरा फ़ोन ऑलरेडी डेड हो चुका है। तो पता नहीं अभी घृष्णेश्वर और वो भद्रा मारुति और औरंगजेब ग्रेव वो आपको कैसे दिखा पाऊँगा। गोप्रो से ही जो हो सकता है वो शूट करने की कोशिश करूँगा मैं, बट आई एम नॉट श्योर हाउ गुड इट विल बी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। एज इट टर्न्स आउट यहाँ पे घृष्णेश्वर मंदिर में फ़ोन कैमरा कुछ भी लेके जा ही नहीं सकते, इट्स नॉट अलाउड एट ऑल। बाहर ही सेफ्टी लॉकर्स बनाए हुए हैं दो तीन जगह पे, इवन दिस वन इज़ हियर। यहाँ पे आप अपने फ़ोन कैमरा जो भी है वो रख सकते हो या फिर गाड़ी में ही रखे हो। अंदर आपको कोई भी फ़ोन कैमरा नथिंग इज़ अलाउड। और दूसरी बात, अभी शिवलिंग के पास मंदिर के अंदर जाना अलाउड नहीं है बिकॉज कोविड आउटब्रेक की वजह से जो रिस्ट्रिक्शन डाल के रखे हुए हैं। तो बाकी टाइम पे ऐसा होता है कि अगर आपको अंदर जाना है तो स्नान करके वो गीले कपड़ों में, मतलब जिसको धोती बोलते हैं वो पहन के जाना होता है, और लेडीज़ को अंदर एंट्री नहीं होती है। लेकिन अभी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि अंदर तो जा ही नहीं सकते, तो एक ही लाइन है कॉमन फॉर मेल फीमेल एवरीवन। लाइन भी बिल्कुल नहीं थी, बेसिकली 10 मिनट लगे दर्शन होने में, 10 मिनट में हम दर्शन लेके बाहर वापस आ गए। बट यस, अंदर का तो आपको कुछ दिखा नहीं पाऊँगा। अभी यहाँ से निकलते हैं, आगे नहीं अभी पीछे जाना है वापस औरंगाबाद की तरफ। कुलताबाद में रुकेंगे अभी। वी आर बैक ऑन द रोड। अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 20 या 25 किलोमीटर्स है खुलताबाद, जहाँ पे अपने को जाना है। अभी दो पॉइंट्स आज के लिए बचे हैं, औरंगजेब्स ग्रेव, मतलब जहाँ पे मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब की कब्र है बनी हुई, जहाँ पे पूरे इंडिया में दहशत फैलाने के बाद और अनरेस्ट फैलाने के बाद फाइनली उनको जहाँ पे शांति से सुलाया गया है। ऑल्सो भद्रा मारुति, जो वन ऑफ द रेयर प्लेसेस जहाँ पे हनुमान की सोई हुई मूर्तियाँ हैं, तो वहाँ पे भी विज़िट करना है। दोनों प्लेसेस खुलताबाद में ही है, अभी जाएंगे वहाँ पे। हियर वी आर इन खुलताबाद सिटी। इट टुक अस लेस देन 10 मिनट्स फ्रॉम एलोरा, मतलब एलोरा केव्स और दौलताबाद के एक्जैक्टली सेंटर में है ये, इक्विडिस्टेंट, प्रीटी मच ऑन द वे। मिस मत करना कभी इधर आओगे तो, ये प्लेसेस ज़रूर देखना। डिफरेंट प्लेस बट सेम स्टोरी। यहाँ पे भी मंदिर के अंदर नो फोटोग्राफी अलाउड। दर्शन बहुत अच्छे से हुआ क्योंकि अगेन कोविड रिस्ट्रिक्शन, गाभारे के अंदर जाने की परमिशन है नहीं, तो फटाफट लाइन आगे बढ़ रही है। हार्डली 5 मिनट्स यहाँ पे, तो 5 मिनट भी नहीं लगे, 5 मिनट में दर्शन लेके हम बाहर। लेकिन आपको कुछ दिखा नहीं पाऊँगा अभी, हर जगह पर यही होने वाला है शायद। अभी आज के दिन का एक आखिरी पॉइंट बाकी है, दैट इज़ औरंगजेब ग्रेव। अभी यहाँ से निकलते हैं, देखेंगे वहाँ पे क्या होता है। गाइस दिस इज़ द प्लेस हियर, औरंगजेब्स ग्रेव, लेकिन हम अंदर नहीं जा रहे हैं। इट्स ओपन फॉर विजिटर्स, बट बोथ मी एंड हेरम, हम दोनों को ऐसे लग रहा है ना, आई विल टेल यू। पहले ये फ़ोटो देखो आप, ये फ़ोटो में जो एंट्रेंस पे बैनर लगा हुआ है ना, मज़ार मुग़ल सम्राट, दोनों को हमें ऐसा फील हुआ ना समहाउ कि आप औरंगज़ेब को ग्लोरीफाई कर रहे हो बाय राइटिंग इट लाइक दैट।
सी एवरी वन हैज़ देयर ओन बिलीव्स और कोई मतलब किसी के बिलीव को चैलेंज नहीं कर सकता. आई एम नॉट चैलेंजिंग एनीवंस फेथ और समथिंग लाइक दैट. लेकिन जो मुझे लगता है वो लगता है, मुझे लगता है कि अगर आप औरंगज़ेब जैसे इंसान को ग्लोरीफाई कर रहे हो तो आई कांट हैंडल दैट, आई एम सॉरी. तो यस, खुलताबाद में ये भी एक प्लेस है, आप जाके देख सकते हो अगर यहाँ पे आते हो तो, अगर आपको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो. बट अनफॉर्चुनेटली काउंटिंग किलोमीटर्स पे आपको ये प्लेस नहीं देखने मिलेगी. सॉरी फॉर दैट, सॉरी इफ आई एम हर्टिंग एनीवंस पर्सनल फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स, बट मेरे सेंटिमेंट्स मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मैं अपने सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करूँगा. सो यस, वी आर बैक ऑन द वे टूवर्ड्स औरंगाबाद नाउ. अभी वापस जाएंगे होटल पे, और होटल पे पहुँच के मैं आज के पूरे दिन को समराइज़ करूँगा, आपको बताऊँगा क्या क्या किया. बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन जब मैं एडिट करूँगा तो शायद ये आज का दिन दो या तीन व्लॉग्स में स्प्लिट होगा, बिकॉज दौलताबाद में बहुत कुछ है दिखाने लायक और एलोरा में भी. तो शायद ये दो या तीन व्लॉग्स में स्प्लिट होगा. तो लेट्स समराइज़, और औरंगाबाद के आसपास आप क्या देख सकते हो ये अगले एक दो मिनट में आपको फट से बताऊंगा इन शॉर्ट, एंड देन विल क्लोज द व्लॉग. सो अभी अंधेरे में यहाँ से औरंगाबाद का 20-22 किलोमीटर का सफ़र मैं नहीं दिखाने वाला हूँ, सीधा जाके मिलते हैं होटल के रूम में. ऑल राइट, इट्स 9 o'clock इन द नाइट. 8:30 बजे हम यहाँ पे पहुँचे और फ्रेश होके, एक्चुअली वो दौलताबाद का ट्रैक और पूरा दिन का जो चलना वगैरह हुआ था ना, एलोरा पे भी बहुत सारा वॉकिंग हुआ था, तो पसीना पसीना हो गए थे सब. तो नहा के फ्रेश होके अभी वी आर रेडी टू गो आउट फॉर डिनर. लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, औरंगाबाद का अगर आपको ट्रिप प्लान करना है तो औरंगाबाद में सिटी में आप दो मेन प्लेसेस है जो कवर कर सकते हो, बीवी का मकबरा और पांचक्की. उसका अभी तक मुझे हिंदी नाम पता नहीं चला है, क्योंकि वहाँ पे उस जगह पे भी पंचक्की बोल रहे थे सब उसको, तो शायद वही नाम रहेगा. और हाँ, तीसरी प्लेस है औरंगाबाद में, विच इज़ औरंगाबाद केव्स, वो भी आप देख सकते हो. बट इफ़ यू आर गोइंग एंड विजिटिंग अजंता एंड एलोरा, देन औरंगाबाद केव्स बिकम्स अ टर्शरी ऑप्शन. बट येस, इट्स स्टिल देयर, बीवी का मकबरा से नज़दीक में ही है, तो आप वो भी प्लान कर सकते हो. देन देयर इज अ रूट, ये जो दौलताबाद मतलब देवगिरी फोर्ट, खुलताबाद में भद्रा मारुति और औरंगजेब ग्रेव इफ़ यू वॉन्ट टू विजिट दैट, और फिर एलोरा और घृष्णेश्वर. ये पूरा एक दिन का रूट है. ऑफकोर्स व्हेन आई से एक दिन, दिस इज़ फ्रॉम अ टूरिस्ट पर्सपेक्टिव. अगर आपको अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो दौलताबाद फोर्ट में आप पूरा एक दिन स्पेंड कर सकते हो, एलोरा केव्स में आप पूरा एक दिन या चार दिन भी स्पेंड कर सकते हो अगर आपको उसको स्टडी करना है. फ्रॉम अ टूरिस्ट पर्सपेक्टिव, यस, एक दिन में आप देवगिरी फोर्ट, एलोरा, घृष्णेश्वर और खुलताबाद के दो प्लेसेस इतना एक दिन में आप कवर कर सकते हो. अगर सुबह 6-7 बजे निकलते हो तो रात को 7-8 बजे तक आपका ये सब कवर हो जाएगा. और एक पूरा दिन आपको देना पड़ेगा अजंता के लिए, क्योंकि अजंता एंड एलोरा दो दे आर कॉल्ड एज अ ग्रुप ऑफ केव्स, अजंता इज 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम औरंगाबाद. 3-3.5 घंटे का ड्राइव है वहाँ जाने के बाद, फिर आपको वहाँ से बस से ऊपर जाना पड़ता है केव्स के पास, फिर थोड़ा सा ट्रैक है, केव्स एक्सप्लोर करने के लिए भी बहुत टाइम लगता है. सो एक पूरा दिन उसमें जाएगा, अर्ली मॉर्निंग आप निकलोगे तो शाम को वापस आओगे. दिस इज द वे यू कैन प्लान योर औरंगाबाद ट्रिप. 3 दिन काफ़ी होंगे, मतलब आप पहुँचने के बाद एक दिन रिलैक्सेशन और लोकल साइट सीइंग, दूसरे दिन दौलताबाद एलोरा वाला रूट और तीसरे दिन अजंता वाला रूट. ये 3 दिन अगर आप औरंगाबाद के लिए देते हो तो औरंगाबाद एरिया आपका पूरा एक्सप्लोर हो जाएगा. नाउ फॉर अस, टुमारो विल बी लीविंग बैक टूवर्ड्स होम. आज सैटरडे है, 23rd of January 2021. कल सुबह उठ के हम यहाँ से वापस घर के लिए निकलेंगे, लेकिन वी हैव डिसाइडेड टू टेक अ सीनिक रूट. नॉर्मल जो रूट है अहमदनगर से होके तड़ेगांव चाकण वाला, वो रूट थोड़ा सा MIDC वगैरह में से जाता है, हैवी ट्रैफिक रहता है और उसमें ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग भी है नहीं. तो हमने एक सीनिक रूट लेने का डिसीजन लिया है. दिस इज सच अ रूट दैट विल ब्रिंग अ ग्रेट अमाउंट ऑफ नज़ारे फॉर यू. नज़ारे ये वर्ड मेरे एकदम ऐसे जुबान पे बैठ गया है, मज़ा आता है बोलने में नज़ारे. एनीवेज, तो अगले व्लॉग में भी बहुत सारे सिनेमैटिक वाइब्स, बहुत सारे नज़ारे आने वाले हैं. तो यहाँ पे ये सीरीज़ ख़त्म हुआ ऐसा मत समझो, अगला व्लॉग भी देखो. सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो. ये व्लॉग्स अगर पसंद आए हैं आपको, औरंगाबाद का एक्सप्लोरेशन सीरीज़ या फिर लोनार या फिर जालना में जो जुगाड़ किया था वो जुगाड़ अगर पसंद आया है इंजन का, तो वो भी जो भी जिस कारण से आपको ये सीरीज़ में से किसी कोई भी व्लॉग अगर पसंद आया ना, तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो.
जो करना है सब करो, प्यार जताओ। अगले व्लॉग में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी, कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।